तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम बात करेंगे कि कौन से पौधे घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है, जो घर के आसपास पौधे होने से एक पॉजिटिव एनर्जी घर के अंदर आती है। तो उस तरह के पौधे के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, हमारे पास ये पारिजात का पौधा है, ये देखिए। दोस्तों, यह पारिजात का पौधा है और ये बहुत ही शुभ माना जाता है घर के आसपास लगाना या फिर छोटी जगह हो तो छत पे लगाना। ये देखिए, मेरे पास 16 इंच के गमले में लगा हुआ है। बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ है और इस पर बहुत सारे फूल खिलते हैं और बहुत ही मनमोहक इसकी खुशबू भी होती है जो फूल होते हैं उनके। और ऐसा माना जाता है कि ये फूल जो है, ये जो फूल का पौधा है, ये सागर मंथन से निकला हुआ था, इसलिए इसका महत्व है और इसमें बहुत सारे औषधीय गुण भी हैं। तो ये पौधा घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। और दोस्तों, ये है मनी प्लांट। मनी प्लांट को भी घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसको छत पे या नीचे ग्राउंड में कहीं भी लगा सकते हैं और बहुत आसानी से छोटे जगह में एडजस्ट करता है और बहुत हार्डी पौधा है। ये बहुत आसानी से चलने वाला पौधा है, कहीं भी छोटे छोटे जगह में ये लग जाता है। तो मनी प्लांट को भी लगाना बहुत शुभ माना जाता है। इसको आप छोटे से बॉटल में पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरह से ये भी पौधा बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद से दोस्तों, बारी आती है नारियल की। ये नारियल का पौधा है और ये भी घर में, घर के आसपास होना बहुत शुभ माना जाता है। नारियल का जो है, सभी तरह के देवी देवताओं को नारियल का पूजा होता है। तो इस तरह के नारियल के पौधे हैं, मेरे पास 3 पौधे लगे हुए हैं। ये देखिए, अब ये छोटा सा है पौधा, ये देखिए, ये भी ग्रो कर रहा है अच्छे से। ये देखिए, ये नारियल आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो ये पौधा बहुत ही खूबसूरत एक तो लुक देता है। ये आपके कोई भी पाम जैसे, जैसे ये एरिका पाम है या फिनिक्स पाम है, और ऐसे ही ये पाम का लुक ये नारियल का भी देता है। तो इसको अगर छत पे लगाना हो तो ये बहुत ही आकर्षक लुक देता है। तो इसके लिए भी इसको छत पे लगा सकते हैं या फिर ग्राउंड में लगाएंगे तो लगभग 15 सालों बाद ये नारियल भी देता है। तो ये बहुत शुभ पौधा माना जाता है। दोस्तों, ये अपराजिता का पौधा है और ये पौधा भी बहुत ही शुभ माना जाता है घर में लगाना। इसमें और भी बहुत सारे कलर आते हैं, मेरे पास और भी कलर हैं। तो ये देखिए, कितने प्यारे इस पर फूल खिले हैं और ये जो फूल हैं, ये विष्णु भगवान के प्रिय माने जाते हैं। तो इस तरह से ये पौधा बहुत ही शुभ होता है घर में लगाना। और देखिए, छोटे छोटे गमले में लग जाता है, ये 10 इंच का पॉट में बहुत ही आसानी से लग गया है और इस पर बहुत सारे फूल भी आ रहे हैं, ये देखिए। तो इस तरह से ये अपराजिता का पौधा भी बहुत शुभ माना जाता है। अब ये देखिए दोस्तों, ये जेड प्लांट है, ये बहुत ही छोटा है। अभी मैं इसको कटिंग से ग्रो कर रहा हूँ और इसमें ग्रोथ दिख रही है। मैं इसको 2-3 पत्ते थे तो लगाया था, अभी इसमें ठीक ठाक ग्रोथ है और इस पर नई नई पत्तियाँ आ रही हैं। ये भी पौधा जो है, फेंग शुई के अनुसार शुभ माना जाता है घर में लगाना। और इस पौधे को आप दरवाजे के पास लगा सकते हैं, जो मेन गेट होता है वहाँ पे लगाते हैं। और ये पौधा सकुलेंट फैमिली का, बहुत ही आसानी से लग जाता है और बहुत ही हार्डी प्लांट है, बहुत अच्छे से ग्रो करता है। उसके बाद दोस्तों, हिबिस्कस के पौधे की बारी आती है। इसको हम लोग गुड़हल भी बोलते हैं। ये बहुत अच्छे से फ्लारिंग करता है और खूब सारे इस पर लाल कलर के फ्लार आते हैं। इसके अलावा इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ नर्सरी में मिल जाती हैं, जिसमें बहुत सारे कलर आते हैं, मल्टी कलर भी आते हैं। तो ये जो फूल होते हैं लाल कलर वाले, ये देसी गुड़हल के होते हैं और बहुत ही अच्छा इसको घर में लगाना माना जाता है। इसको आप, ये बहुत माता रानी का प्रिय फूल है। इस पे लाल लाल जो फूल होते हैं गुड़हल के, बहुत ही प्यारे दिखते हैं और उसमें बहुत सारे औषधीय गुण भी होते हैं। फेंगशुई के अनुसार बैम्बू प्लांट भी लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसमें पीले और हरे कलर के बैम्बू प्लांट्स होते हैं, जो बहुत ही शुभ माना जाता है घर में लगाना। और ये पौधा घर में बहुत आसानी से सर्वाइव करता है। इसको टेबल पे, ऑफिस के टेबल पे भी रख सकते हैं या फिर घर में किसी भी कोने में रख सकते हैं जहाँ थोड़ी बहुत रोशनी आती है। तो ये बहुत अच्छे से चलते हैं, तो इनको भी घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने एक छोटा सा ये प्लांटर बनाया है और इसमें ये बैम्बू के पौधे को लगाया है। बहुत ही ब्यूटीफुल रहता है और ये बहुत आसानी से ग्रो करता है। तो ये बहुत सारे एक साथ बल्क में भी आप पानी में भी लगा सकते हैं इस पौधे को। दोस्तों, यह गुलदाउदी का पौधा भी घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस पौधे को भी हम घर में लगा सकते हैं। इसको लगाने से घर में एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, तो इसलिए हम इस पौधे को भी बहुत शुभ मानते हैं और इसको घर में लगा सकते हैं। इसके अलावा इसमें औषधीय गुण भी बहुत सारे हैं, तो इस तरह से इस पौधे को भी घर में लगाना चाहिए। इसको बहुत ही शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, ये केले का पौधा है और केले का पौधा घर के आसपास होना बहुत ही शुभ माना जाता है। अत्यंत शुभकारी पौधा यह है और ऐसा माना जाता है कि बृहस्पति भगवान का ये पौधा है, बृहस्पति भगवान का प्रिय पौधा है। और हम लोग केले के पौधे का भी पूजा करते हैं बृहस्पति भगवान के पौधा मान के। और तो इस तरह से ये बहुत शुभ पौधा है, तो इस पौधे को भी घर में लगाना चाहिए। इसको छोटे से पौधे को हम लोग गमले में भी लगा सकते हैं, बहुत आसानी से लग जाता है और हल्की थोड़ी थोड़ी ग्रोथ करते रहते हैं। तो इस तरह से ये केला भी बहुत शुभ पौधा है। दोस्तों, घर में तुलसी को भी लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह तुलसी तो लगभग हिंदू धर्म में देखा जाए तो सभी घर में पाई जाती है और अत्यंत गुणकारी ये पौधा है।
इस पौधे को घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ये स्वयं ही एक देवी का रूप है, तो इस पौधे को भी शुभ मानकर घर में लगाया जा सकता है। दोस्तों, इन सब पौधों के अलावा एक शमी का पौधा होता है, जो भी शनि जो कि शनिदेव का प्रिय पौधा है, शिव जी माता पार्वती का भी वो प्रिय पौधा है। तो उस पौधे की भी पूजा होती है घर में हिंदू धर्म के अनुसार, और बहुत ही शुभ पौधा माना जाता है। वो पौधा मेरे पास नहीं है, बाकी ये जितने तरह के हैं सभी पौधे मेरे पास हैं, और यह बहुत ही शुभ पौधे हैं और इसमें बहुत सारे औषधीय गुण भी हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज यही शुभ पौधों के बारे में बात करना था और यही शेयर करना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।